नमस्कार, स्वागत है आपका विराट 24 न्यूज में, मैं आपके साथ आदर्श। मऊगंज में कुछ जगहों को छोड़कर शांतिपूर्वक तरीके से मतदान जारी रहा। मतदान को लेकर मतदाताओं में खासा उत्साह देखा गया। मतदान को लेकर नव मतदाताओं और महिलाओं में भी जबरदस्त उत्साह रहा। नगर के वार्ड 5 व 11 के मतदान केंद्रों में अशांति व अव्यवस्था फैलाने की कोशिश की गई। मौके पर पहुंचे मऊगंज कलेक्टर अजय श्रीवास्तव और SP बीरेन जैन, प्रशासन की मुस्तैदी से विफल हुआ। देखिए मतदाताओं ने मतदान को लेकर क्या कहा है। डिलीट कर देंगे ना। जी मैं अपनी वोट डाल चुका हूँ और हमारे यहाँ इस पोलिंग से बन्ना जी लगभग आगे चल रहे हैं। आगे फिर देखिए क्या होता है। अच्छा, बताया जा रहा है कि पोलिंग ये हटवा निर्भर राज के पोलिंग में यहाँ सुखेंद्र सिंह बन्ना काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, जो रुझान मिल रहा है। अब देखते हैं आगे क्या होगा। वोट डालकर आप आ रही हैं जी, किस मुद्दे को लेकर आपने मतदान किया? कमल को। दहार के बोलो। सरकार का कामकाज कैसा रहा? अच्छा रहा। अच्छा रहा जी। विकास के मुद्दे को लेकर आपने मतदान किया जी? ये नहीं, जैसे क्षेत्र की समस्याओं को लेके या ये जैसे आपने संतुष्ट थे या नहीं थी? ये हाँ, संतुष्ट है। हाँ। तो आप किस मुद्दे को देख के आपने मतलब किस पार्टी को मतदान किया है? नहीं, अभी यहाँ पर मतदान केंद्र में मतदाताओं का रुख समझने की कोशिश किया और जाना, उन्होंने अपनी बातों को रखा है। मैं विराट 24 से राजेश दुबे। क्या नाम आपका? मेरा नाम कृष्णदास चौरसिया। मतदान कर दिए? मतदान हो गया। कौन से मुद्दे रहे जिनको लेकर आपने मतदान किया? महंगाई, बेरोजगारी, अराजकता और सत्ता परिवर्तन के लिए। ये परिवर्तन की जो बातें उठ रही है, मतलब कि ये क्षेत्र के विकास को, क्षेत्र के विकास के लिए परिवर्तन अति आवश्यक चीज़ है। क्या कमी रह गई जो आप परिवर्तन चाहते हैं? रोड में गंदगी, धूल, जो रोड बनवा रहे हैं आधी अधूरी रोड बन रही है, डिवाइडर बन रहा है, आधी अधूरी डिवाइडर बन रहा है, इसमें काम रुका हुआ है, जनता परेशान है, गली गली में नालियाँ चौक हैं, गंदगी से भरमार है, गंदगी कभी सफाई नहीं होती। क्या नाम आपका? शिल्पा गुप्ता। पहली बार वोट करने आई हैं? जी हाँ। किन मुद्दों को लेकर आप मतदान करने आ जा रहे हैं? युवा वोटर हैं? हाँ, युवा के लिए। नौ मतदाता हैं, ऐसा कौन सा मुद्दा है जो आपके दिमाग में? युवा के लिए, मतलब क्षेत्र के विकास के लिए, या मतलब कि
अपनी स्टडी जुड़ी हुई कुछ नहीं, बेसिकली यहाँ पे क्षेत्र के विकास के लिए, एजुकेशन के लिए, हॉस्पिटल का डेवलपमेंट यहाँ पे हो जो बहुत ज़्यादा नीड है, अच्छी स्कूल हो, फैक्ट्रीज हो। किससे उम्मीद है आपको वर्तमान में सरकार के कामकाज से आप संतुष्ट हैं? हाँ भी और ना भी। इस बार तो आप बदलाव के लिए वोट कर रहे हैं? जी बिल्कुल। वोट करने जा रही हैं जी सर? हाँ, किन जी मुद्दों पर वोट करेंगे? बेरोजगारी और कुछ क्षेत्रीय समस्याएं? हाँ बहुत समस्याएं हैं हमारे शहरों में। क्या समस्या? बिजली, रोड, पानी, ये तो नगर की समस्या है ना, नगर की। सरकार के कामकाज की संतुष्ट है? जो मौजूदा सरकार थी। कैसी सरकार चाहते हैं? जो हमारे शहर को देखे, गांव को देखे। बदलाव चाहती है? जी सर। आप भी सहमत हैं? क्या बदलाव चाहती हैं? बदलाव चाहती हैं सरकार, बदलनी चाहिए। क्या नाम आपका? शिल्पा गुप्ता। पहली बार वोट करने आई हैं? जी हाँ। किन मुद्दों को लेकर आप मतदान करने आ जा रहे हैं? युवा वोटर हैं? हाँ, युवा के लिए। नौ मतदाता हैं, ऐसा कौन सा मुद्दा है जो आपके दिमाग में? युवा के लिए, मतलब क्षेत्र के विकास के लिए, या मतलब कि अपनी स्टडी जुड़ी हुई कुछ? नहीं, बेसिकली यहाँ पे क्षेत्र के विकास के लिए, एजुकेशन के लिए, हॉस्पिटल का डेवलपमेंट यहाँ पे हो जो बहुत ज़्यादा नीड है, अच्छी स्कूल हो, फैक्ट्रीज हो। किससे उम्मीद है आपको वर्तमान में सरकार के कामकाज से आप संतुष्ट हैं? हाँ भी और ना भी। इस बार और बदलाव के लिए वोट कर रहे हैं? जी बिल्कुल। क्या योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है? बिल्कुल नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा। लाडली बहना नहीं मिल रहा सर। आवास योजना वो मिल रहा है? मिल रहा है। हाँ, मिला है। हाँ, मिल गया है। फिर भी बदलाव चाहती है? आपको नहीं मिल गया, हमको नहीं मिला है। फिर भी बदलाव चाहती है? क्या है, किन मुद्दों पर वोट करेंगी? क्या वोट किस आधार पर कर रहे हैं? क्या है आपका? सरकार बदलनी चाहिए। सरकार जो ठीक है वो जो है वो ठीक है, उसके कार्य संतुष्ट। और आप बताइए। आवास नहीं मिला, परेशानी है घर की। अच्छा, आवास बाकी योजनाओं का लाभ मिला है? बाकी योजनाओं का लाभ मिल रहा है? हाँ, मिल रहा है। बाकी मिल रहा है? हाँ। आवास नहीं, आवास नहीं मिला। उम्मीद है कि मिलेगी? आप भगवान मालिक जो जी। आप बताइए। क्या यह ठीक है, मिल रही है हमको? हमको मिल रही है। सरकार ठीक है? सरकार की योजनाओं संतोष है? हाँ संतोष है। हाँ सर। किन मुद्दों को लेकर वोट कर रही है? मेरे लिए तो मेरी सरकार कमल ही है और वही रहेगी। बिल्कुल संतुष्ट है जी, बिल्कुल। सुविधाएं मिल रही हैं, सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है, उसके कामकाज से संतोष। मेरा नाम शुभम मिश्रा है। मतदान कर दिया? मतदान अभी करने आया हूँ। कौन से मुद्दे आपके दिमाग में चल रहे हैं? मेरा सबसे बड़ा मुद्दा है मऊगंज को लेके, जहाँ तक बात है। यहाँ से सबसे ज़्यादा तो बेरोजगारी मुद्दा है। लोगों की दुकानें गिरा दी गई, लोग दुकान से बाहर हो गए, अत्यधिक व्यापारी संघ इसी से परेशान है। दूसरा मुद्दा, यहाँ की सड़क में इतनी धूल है, आप आगे एक बराटा मोड़ है वहाँ से आप निकलेंगे तो आपको टीबी पकड़ लेगी 110%। तीसरा मुद्दा है व्यापम घोटाला, पटवारी घोटाला। जितना युवा वर्ग है सिर्फ इस बार वोट इसलिए कर रहा है कांग्रेस पार्टी के पक्ष में, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ व्यापारी सॉरी पटवारी घोटाले के लिए कर रहा है, इसलिए मेरा भी वोट है कांग्रेस के पक्ष में। तो मतलब इस बार कौन मुद्दा पर वोट करें अपना? केमर